वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को चित्रकूट जिले के बालापुर माफी गांव के देही बाशिंदों ने ध्यान से सुना और मुल्क में लगी इमरजेंसी धार्मिक यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक, नदी सफाई और पानी पॉलिथीन से सड़क की तामीर, आबी तहफ़ुज़ और खेलों के जरिए मुल्क के वक़ार को बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानकारी हासिल की। मन की बात प्रोग्राम के सुनने वालों ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात को वो हमेशा सुनते हैं और हर बार उन्हें नई और मुफीद मालूमात हासिल होती है। इस बार हमें पानी के तहफ़्फ़ुज़, नदी की सफाई और खेलों को बढ़ावा देने की तरगीब मिली है। देश की सच्ची प्रधानमंत्री जी की मन की बात मैं हमेशा सुनती हूँ, कभी किसी गांव में जाकर या कभी अपने घर में जाकर हमेशा सुनती हूँ। आज मैं बालापुर माफी में लोगों के बीच मैंने मोदी जी की मन की बात सुनी, उसमें उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। जल संरक्षण के बारे में उन्होंने जिक्र किया, जैसे अपनी बावड़ी, पुराने जमाने की बावड़ियाँ हुआ करती थी, कुएँ हुआ करते थे, तो उनमें आज गंदगी का अंबार लगा हुआ, तो उन्होंने कहा जल संरक्षण करना है तो कुएँ और बावड़ी को साफ करके बरसात का पानी का संरक्षण किया जाए। और उन्होंने एक नदी के बारे में जिक्र किया है, बीटल नदी के बारे में, जो कि गंदगी का अंबार उसमें लगा हुआ था। ये एक जन सहयोग से उन्होंने उस नदी को साफ किया और उस गंदगी से उन्होंने 200 फुट की रोड बनाई। मोदी जी के मन की बात से पानी का जो संरक्षण उन्होंने बताया है, हम लोग भी अपने जो हमारी छत है, छत के में हम लोग एक पाइप डाले हुए हैं और एक छोटा सा गड्ढा किए हुए हैं, तो सारा पानी बरसात का हमारा उस गड्ढे में जाता है। हमारा बोर है बगल में, तो हमारा बोर पानी बहुत अच्छे से देता है, क्योंकि वो पानी हमारा इधर उधर नहीं जाता है।